मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और राहत वाली खबर के साथ। राजस्थान में हो रही लगातार बिजली कटौती से सोमवार को राहत मिली है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की ओर से कहीं पर भी बिजली की कटौती नहीं करने के आदेश दिए हैं। बिजली कटौती को रोकने में बिजली कंपनियों की लाज अक्षय ऊर्जा ने बचाई है। राजस्थान की थर्मल इकाइयां पहले से कोयले की कमी और फिर तापमान में बढ़ी बिजली की डिमांड ने मुश्किल खड़ी कर दी थी, लेकिन 30 अप्रैल के बाद विंड एनर्जी के उत्पादन में सुधार हुआ, लिहाजा अक्षय तृतीया और ईद पर बिजली की कटौती नहीं होगी। दूसरी बड़ी खबर, पानी और बिजली संकट का सामना कर रही राज्य की गहलोत सरकार अब आम जनता से भी पानी और बिजली बचाने की अपील कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश की जनता से संकट की घड़ी में अपील करते हुए अपनी भागीदारी निभाने और पानी और बिजली बचाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि मार्च और अप्रैल से ही भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग प्रदेश में 35% बढ़ गई है। हालांकि बिजली संकट अकेले राजस्थान की समस्या नहीं। अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप आप चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। व्हाट्सएप अब कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। अब ग्रुप में एडमिन किसी भी मेंबर का मैसेज डिलीट कर सकेगा। मेंबर कई घंटे बाद भी अपने मैसेज डिलीट कर सकते हैं। वहीं अब किसी को व्हाट्सएप पर 2 MB की फाइल भेजी जा सकेगी। 32 लोगों को एक साथ वॉइस कॉलिंग भी की जा सकेगी। वॉइस मैसेज को जो जहां पर रोकेंगे वहीं से आगे शुरू हो सकेगा और कम्युनिटी पर भी 1000 लोगों को ग्रुप में ऐड किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर और राजस्थान के लोगों के लिए बुरी खबर, राजस्थान में कोरोना के वापसी की आहट तेज हो गई है, क्योंकि राजस्थान में अब एक्टिव केसों की संख्या 400 के पार चली गई है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों की माने तो राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 431 हो गई है। सोमवार को प्रदेश में 89 केस सामने आए। राजधानी जयपुर में कोरोना का एक बार फिर महाविस्फोट देखने को मिला। सोमवार को अकेले जयपुर में 61 केस सामने आए, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सूर्य देव की तपिश से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह 9 बजे के बाद ही तेज गर्मी महसूस होने लगती है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। हालांकि इसी बीच राहत की खबर यह है, जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 3 मई को जयपुर भरतपुर संभाग के अलवर सीकर झुंझुनू करौली और धौलपुर में और बीकानेर जोधपुर संभाग के चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ बाड़मेर जैसलमेर एरिया में 50 किलोमीटर की स्पीड से धूल भरी आंधी चलने और बादल छाने के साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। यह स्थिति 4 मई को भी प्रदेश के इन्हीं एरिया में बनी रहेगी। एक और बड़ी खबर, आज 3 मई है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर श्री माधोपुर के इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर आज निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का भी आयोजित किया गया है। राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा संघर्ष समिति के बैनर तले जयपुर में निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगेगा। आपको बताता चलूं, मुख्यमंत्री गहलोत 72वां जन्मदिन सादगी पूर्ण तरीके से मनाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कई अहम घोषणाएं भी की जा सकती है। एक और बड़ी खबर, परिवहन विभाग ने सोमवार को वाहन नंबर प्लेट के नियमों को लेकर आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान सरपंच और गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्रवाई होगी। आदेश आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, लोग परिवहन विभाग को ट्रोल करने लगे। हालांकि बाद में परिवहन विभाग ने संशोधित पत्र जारी कर आदेश निकाला। इसमें नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई पद या जाति सूचक शब्द लिखा होने पर कार्रवाई करने की बात लिखी है। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर परिवहन विभाग के आदेश पर नाराजगी जताई। आपको बता दूं, इस पत्र में अकेले गुर्जर समाज को टारगेट किया गया था। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। मुख्यमंत्री ने ईद उल फितर के मौके पर सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से आह्वान किया है कि वह प्रदेश की खुशहाली सौहार्द सद्भावना एवं अमन चैन की दुआ करें। एक और बड़ी खबर, आज अक्षय तृतीया है, आज काफी सारी शादियां होगी। आज बन रहे 3 राजयोग ने अक्षय तृतीया को और भी विशेष बना दिया है। ऐसा शुभ संयोग लगभग 50 सालों के बाद बना है। अक्षय तृतीया पर शोभन योग भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए विशिष्ट है।
आज आप किसी भी समय कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे नए बिजनेस की शुरुआत करना, नया मकान, प्लाट व सोना खरीदना। इसके लिए आज आपको शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, आज पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी को अक्षय तृतीया और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान समेत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।